बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शोभला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। नौजवान पाकिस्तानी को पेमा असद मेमन ने दुनिया की बुलंदतरीन पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज हासिल कर लिया। हौसला अतलात के मुताबिक 8849 मीटर बुलंद चोटी को सर करने के लिए जाने वाली 15 रुकनी टीम में शामिल वाहद पाकिस्तानी को पेमा असद मेमन ने ख़राब मौसम के बावजूद अपने अज़म और हिम्मत की बदौलत कामयाबी अपने नाम की। असद मेमन ने चोटी पर पहुंचकर नारा तकबीर बुलंद करते हुए कौमी झंडा लहराया और नेपाल के सिलसिला को कोह पे हमालिया की माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी बन गए, जबकि वो ये आज़ाद पाने वाले सिंध के पहले कोह पे माँ हैं। असद मेमन दुनिया की 7 बड़ी चोटियों में से 4 को सर कर चुके हैं। चोटी सर करने के बाद वापसी पर असद मेमन ख़राब मौसम में फंस गए और हाथ टूटने के साथ घुटने की चोट और सख्त जलने जैसी कुछ चोटें आईं। तावीन की बावजूद वापस लाकर तबी इमदाद फराम की गई। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान आने से पहले 1 या 2 दिन में सेहत याब हो जाएंगे। दरअसल अपने पैगाम में असद मेमन ने कहा कि 2 माह की गैर आराम दा नींद, मंजमद रातें, लामहदूद सर दर्द और सख्त तरीन धूप के बावजूद दुनिया की सबसे ऊँची चोटी को सर करना काबिल फ़ख्र है।